दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे एक कुकिंग में। आज मैं साबुत दाल और बकरे का गोश्त बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल आसानी तरीके से और टेस्टी और स्पाइसी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये दाल धो के ला दिया हूँ। उसके बाद जो है दो मीडियम साइज़ का प्याज काट लेंगे और उसके बाद जो है हरी मिर्च काट लेंगे 8 से 10 पीस और हरा धनिया का पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट और एक टमाटर काट लेंगे बड़ा साइज़ का और दो नींबू में से आधा आधा बीच में से काट लेंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो ये धो के ला दिया हूँ और ये मटन है 1 किलो, ये भी धो के धुल गया है, आप भी धो लेंगे। और प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ, आप चाहे तो भगोने में डालेंगे तो, लेकिन इसमें अच्छा रहेगा, प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाएगा। उसके बाद जो है इसमें मैं चार चीज़ डाल दिया हूँ, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, आप भी ऐसे डाल लेंगे। और उसके बाद जो है इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच या हल्दी पाउडर और इसके बाद जो है एक चम्मच से कम थोड़ा सा जीरा पाउडर और उसके बाद जो है एक चम्मच से कम ये धनिया पाउडर और एक चम्मच जो है आधा चम्मच ये काली मिर्च पाउडर और उसके बाद एक चम्मच ये मिक्स मसाला और आधा चम्मच ये गरम मसाला। उसके बाद दोस्तों ये नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे, मैंने जो है एक चम्मच डाल लिया और तेल डाल लेंगे अपने हिसाब से, चाहे तो बड़ा वाला चम्मच एक चम्मच तेल डालेंगे आप। उसके बाद मिक्स करेंगे, मिक्स करके अच्छी तरीके से, ध्यान रहे पानी ये बिल्कुल नीचे होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीटी लग सिस्टम लगेगा, ये पानी बाहर आएगा। और ये दाल बाद में डालेंगे जब 4-5 सीटी लग जाए, उसके बाद उसका ढक्कन लगाएंगे और चूल्हे के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल देख सकते हैं लो होने के लिए। ये दोस्तों मेरा 5 सीटी कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप। इसको मैं खोल लेता हूँ, खोलने के बाद इसमें दाल डाल देंगे, देख सकते हैं दोस्तों। ये दाल मैंने एक साथ नहीं डाला क्योंकि दाल लग जाता, गोश्त गल जाता और दाल लग जाती नीचे, इसीलिए बाद में डाला। उसके बाद जो है फिर से 3 सीटी लगाएंगे इसमें, जब तक एक प्याज काट लेंगे मीडियम साइज का और फ्राई पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और तेल गरम कर लेंगे। उसके बाद जो जीरा डालेंगे 1 चम्मच और उसके बाद जीरा थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसके बाद प्याज डालेंगे, उसके बाद जो है चलाएंगे इसको और 2 लहसुन की कली डालेंगे इसमें और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जो है दोस्तों हमारे 3 सीटी कंप्लीट हो गया है। फिर खोल लेते हैं प्रेशर कुकर की ढक्कन, देख सकते हैं आप। पहले इस तरीके से गैस बाहर कर लेंगे, जब खुलेगा आप इसे खोल लेंगे। उसके बाद जो है देख सकते हैं दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर ये तड़का वाला ये जो प्याज तड़का के लिए ये डाल देंगे, इसमें लगा देंगे तड़का, इस तरीके से आप भी कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन 2 मिनट के लिए रख देंगे, फिर देख सकते हैं दोस्तों कितने बेहतरीन तरीके से। और उसके बाद जो है कटे हुए धनिया पत्ता जो था वो डाल देंगे। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे बिल्कुल टेस्टी और स्पाइसी हमारा दाल गोश्त तैयार हो गया साबुत मसूर की। दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।